हेलो फ्रेंड्स, लेटेस्ट मीटिंग में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ये प्यारा सा इजी सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है और देखिए फ्रेंड्स, इसकी लुक बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हो, जैकेट में, कैप में, फ्रॉक में, मफरल में। ये देखिए, हर एक प्रोजेक्ट में ये बहुत ही इसकी ग्रेस अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी मैंने इसको कैसे बनाया है। इसमें आप 5 के मल्टीपल में फंदे डाल के और आप इसमें 3 फंदे प्लस कर लीजिएगा तो आपका डिजाइन सही से सेट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 23 फंदे लिए हैं। देखिए मैंने इसको कैसे बनाया है। डिजाइन को समझने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखिए। पहला फंदा एस्टिज है, आप जैसे इसको उतारते हो, जैसे आपकी आदत है आप वैसे ही इसको बनाइए। स्टार्टिंग के हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये राइट साइड है फ्रेंड्स, हमारी राइट साइड से हमारा ये डिजाइन स्टार्ट होता है। ये इसमें बेसिक रो देने के लिए मैंने ये उल्टी उल्टी 4 रो बना के छोटा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट किया है। जैसे आप जो भी अपनी पसंद से बॉर्डर बनाओ, उल्टी साइड से फ्रेंड्स आप इसमें फंदे बढ़ा लीजिए, राइट साइड से हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखिए, अब ये एक और ये दो, यहाँ से हम ये दो धागे छोड़ के यहाँ से इस होल में से हम ये 2 रो नीचे से हम एक फंदा यहाँ से ऐसे उठाएंगे। इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, आप दो आप ऐसे सीधे बनाना। फिर से आप देखिए, एक और ये दो, इस होल में से एक फंदा हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमारे फंदे यहाँ पे हो गए 4। हम धागा आगे करेंगे, 3 फंदे फिर हम बीच में गैप के उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे। इसी डिजाइन को हमने बार बार रिपीट करना है फ्रेंड्स। देखिए ये एक और ये दो, यहाँ से हमने 2 धागे नीचे से हमने एक फंदा ऐसे ड्रॉ करना है, फिर बीच में हम 2 सीधे बनाएंगे, फिर से हम एक फंदा यहाँ से नीचे से, ये देखिए एक और ये दो, यहाँ से एक फंदा हम और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे गैप के उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे और जैसे पहले किया था ऐसे ही एक फंदा हम ऐसे ही 2 धागे नीचे से ड्रॉ कर लेंगे, फिर 2 सीधे बनाएंगे, फिर से एक फंदा ऐसे, ये देखिए थोड़ा लूज रखेंगे इसको, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे हमारे गैप के, ये देखिए फिर से धागा हम पीछे करेंगे और ऐसे ही एक फंदा ऐसे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट है, 2 फिर हम सीधे बनाएंगे, एक फंदा हम और ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये देखिए, और धागा आगे करके जैसे स्टार्टिंग में हमने बनाए थे ऐसे ही एंड में भी हमारे 3 उल्टे बच गए। देखिए फ्रेंड्स, ये सारी रो हमने ऐसे बना के कंप्लीट कर ली। अब आ गई हम रॉन्ग साइड में, तो रॉन्ग साइड में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इस हमारे डिजाइन की 2nd रो है। स्टार्टिंग के हम 3 उल्टे बनाएंगे। अब जो फंदा हमने नीचे से ड्रॉ किया था, बनाया था, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ऐसे ही स्लिप करेंगे, ये देखिए ऐसे ही, ये था हमारा। फिर ये बीच के गैप के हम 3 उल्टे बनाएंगे, फिर से हमारा ये फंदा है इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे,
इसको हम बनाएंगे नहीं, दो बीच के जो सीधे थे उनको हम बनाएंगे, इसको हम स्लिप करेंगे। फिर ये तीन बीच के गैप के ये हमारा फिर वो फंदा आ गया, इसको हम स्लिप करेंगे, दो हम बीच के बना लेंगे, इसको हम स्लिप करेंगे, इसको फिर हम बनाएंगे, इसको हम स्लिप करेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारी सेकंड रो बन के कंप्लीट हो गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, ये तीन फंदे हम, ये हमारी थर्ड रो है राइट साइड, तीन फंदे हम फ्रेंड्स बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, धागा हम पीछे करेंगे, ये जो हमारे फंदे हैं हम इनमें ऐसे नीडल डाल के, ये देखिए ध्यान से, ऐसे नीडल डाल के हम इनको पीछे की साइड ऐसे ले जाएंगे, ये देखिए, और हम इसको ऐसे धागा करके यहां से एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे, थोड़ा सा लूज रखेंगे इसको, और फिर फ्रेंड्स आगे से डाल के और फिर हम इसको ऐसे बना देंगे। ये देखिए, फिर धागा आगे करेंगे, ये जो हमारे गैप के फंदे हैं हम ये तीन बना लेंगे, फिर से हम धागा पीछे करेंगे, और ये जो हमारे फ्रेंड्स ये चार फंदे हैं, ये देखिए ध्यान से, इनमें हम ऐसे नीडल डाल के, थोड़ा सा इसको लूज कर लीजिए, और ऐसे ही पीछे से ऐसे फंदा डाल के एक फंदा हम बना लेंगे। ये चार फंदे हैं, चार के हमने दो बनाने हैं, एक पीछे से बना लिया, एक फिर ऐसे आगे से नीडल डाल के, थोड़ा सा इसको लूज रखिएगा, ऐसे डाल के और एक फंदा हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन भी अब दिखने लग गया। देखिए, फिर तीन फंदे हम बीच में ये गैप के उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, ये देखिए, एक ये ड्रॉ किया हुआ, दो हमारे बीच के और एक ये इनमें ऐसे नीडल डाल के, आप थोड़ा सा इसको ऐसे लूज कर लीजिए, बैक साइड से ऐसे ऐसे धागा नहीं लेके आना फ्रेंड्स, हमने आगे से ऐसे पीछे लेके जाना है, और एक फंदा हमने ऐसे बनाना है, धागा हमारा पीछे ही है, और फिर आगे से नीडल डाल के चारों में से, और एक बार हमने इनको और ऐसे ही बनाना है। ये देखिए, बहुत सिंपल डिजाइन है। फिर तीन बीच के हम ये उल्टे बनाएंगे, फिर से हम धागा पीछे करेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमारा ड्रॉ किया हुआ फंदा है, ये बीच में दो हमने सिंपल बनाए थे और एक और हमने ये किया था, इनको थोड़ा सा ऐसे नीडल डाल के लूज कर लीजिए, और फिर बैक साइड से आप इनको ऐसे बना दीजिए, एक हमारा फंदा बन गया। अब आगे से इसको थोड़ा सा लूज रखना, आगे से नीडल डाल के फिर आप इसको ऐसे बना दीजिए, ये देखिए, और फिर एंड में हमारे ये जो स्टार्टिंग में हमने तीन बनाए थे, एंड भी हमारा ऐसे ही होना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा डिजाइन दिखने लग गया। अब डिजाइन की फ्रेंड्स फोर्थ रो है, ये हमने फोर्थ रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करनी है, ये फोर रो का ही डिजाइन है फ्रेंड, और बहुत ईजी है बनाने में, और बहुत ग्रेसफुल लगता है ये, किसी भी कलर में आप इसको बनाओगे ये उसी कलर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वाइट में इसकी ग्रेस और ही ज़्यादा दिखती है। ये आप सारे ही फंदे उल्टे उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट कर लीजिए।
ये एक बार का हमारा डिजाइन फ्रेंड कंप्लीट हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको आगे हमें कैसे डिजाइन फिर से दोबारा स्टार्ट इसको करना है। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये देखिए अलग से दिखाई दे रहे, एक ये और एक ये। अब हम यहां से एक फंदा ड्रॉ करेंगे और ये हम दो गैप के बनाएंगे और फिर से एक और ये दो। हम यहां से फंदा एक ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये हमारे हो गए तीन बीच में गैप के, धागा पीछे करेंगे और फिर से यहां से एक फंदा हम ऐसे निकाल लेंगे। इसको थोड़ा सा आप लूज रखिए, फिर ये बीच में आप दो और फिर से ये एक और ये दो आप ऐसे निकाल लीजिए, फिर धागा आगे करेंगे, तीन आप ऐसे बना लेना। ये हमारा दोबारा डिजाइन स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड, आप दोबारा डिजाइन को ऐसे ही स्टार्ट करना। और रॉन्ग साइड की जब आप ये सेकंड रो बनाओगे, ये डिजाइन की जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी वो ये मैंने स्टार्ट करके दिखा दी है, सेकंड रो आप बनाओगे ये जो उल्टे हैं आप इनको उल्टा बनाओगे, और जो फंदा हमने ये ड्रॉ किया है आप इसको फ्रेंड्स स्लिप करना है आपको, ये देखिए। और फिर डिजाइन की जब आप थर्ड रो बनाओगे तो चारों फंदों का पीछे से बैक साइड से एक बनाना है और एक बार आगे की साइड से नीडल डाल के एक बनाना, चार फंदे का एक बनाना है, और फोर्थ रो उल्टी उल्टी बना के आपको कंप्लीट करनी है, तो आपका डिजाइन सही से डल जाएगा। ये देखिए, अब उल्टी रो में फ्रेंड्स हमने ये फंदे उल्टे बनाने हैं, इसको स्लिप करना है, इनको उल्टा बनाना है, इनको स्लिप करना है। आपको फिर दिखाई भी देने लग जाएगा, ये जो डिजाइन के जो बीच के हैं ये उल्टे बनेंगे, यहाँ से हमारा ये फंदा स्लिप होगा, ये होगा, ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर आओगे तो आपको दिखने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप इसी इन्हीं चार रो को आप जब ऊपर ऊपर रिपीट करते जाओगे तो देखिए आपका ये बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन ये बन के ऐसे दिखने लगेगा, देखिए ऊपर ऊपर तक। और फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होता है, आप एक बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डिजाइन कैसा लगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिजाइन के साथ, थैंक यू।